हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी फूड वेज रेसिपीज। आज हम बनाएंगे चॉकलेट डोसा। ये एक बिल्कुल ही नई रेसिपी है क्योंकि इसमें बहुत सारी सरप्राइजेस हैं जो डोसे के अंदर भी है और डोसे के बाहर भी। इस डोसे की खासियत ये है कि इसमें हमने बहुत सारे एलिमेंट्स यूज किए जिसकी वजह से डोसा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, जिसका एक एक बाइट आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इस डोसे के सारे सरप्राइजेस देखने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो हमारी फर्स्ट एलिमेंट का नाम है बेरी कॉम्पोट। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ फ्रेश ब्लूबेरीज, क्योंकि मैं ब्लूबेरी कॉम्पोट बना रही हूँ इसलिए मैं ब्लूबेरी का यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चीनी। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये ब्लूबेरी एकदम नरम नहीं हो जाती और ये शुगर सिर्फ थोड़ी थिक नहीं हो जाती, तब तक हम इसे पकाएंगे। जिन लोगों को कॉम्पोट के बारे में नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये एक तरह की डेजर्ट सॉस होती है जिसे हम फ्रेश फ्रूट्स के साथ बनाते हैं, जिसको हम किसी भी पैनकेक या फिर आइसक्रीम्स किसी भी डेजर्ट के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कॉम्पोट बन के रेडी है, ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अगर आपके पास ब्लूबेरी नहीं है तो आप किसी और भी फ्रूट का कॉम्पोट बना सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, रेसबेरी या फिर पपाया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून नींबू का रस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में रख देंगे। तो अब हम बनाएंगे हमारा दूसरा एलिमेंट जिसका नाम है चेरी कॉम्पोट। तो यहाँ पे मेरे पास है कुछ ब्लैक चेरीज। आपके पास ब्लैक चेरी नहीं है तो आप रेड चेरी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास चेरी नहीं है तो आप कोई और फ्रूट, जो भी आपके पास घर में एप्पल, आप किसी भी चीज का कॉम्पोट बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच चीनी। अब इसे भी हम गाढ़ा होने तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक कि हमारी चेरी थोड़ी टेंडर नहीं हो जाती तब तक। तो हमारी कॉम्पोट की कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए तब पक चुका है ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लेमन जूस। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी हम ठंडा होने के लिए एक बाउल में रख देंगे। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड एलिमेंट की तरफ, जो कि है चॉकलेट सॉस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गैस पे पैन लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप कोको पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून शुगर। हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे और धीरे धीरे हम मिल्क को अच्छे से मिलाते जाएंगे जिससे कोई लम्प्स ना रहे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप दूध यूज़ किया है। तो हमारा कोको पाउडर और शुगर अच्छे से इसमें मिल चुका है और हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि हम सॉस बना रहे हैं, सिरप नहीं बना रहे। हम फिर से मिक्स करेंगे, इसे हम हिलाते हुए इसी तरह से 5 मिनट और पकाएंगे। तो हमारा चॉकलेट सॉस बन के तैयार है। अब हम इसमें लास्ट में बस बटर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जिससे इसमें अच्छे से शाइन आ जाए। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे मेन एलिमेंट की तरफ, जो कि है डोसा। तो मैंने यहाँ पे डोसा पैन लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी डोसा बैटर और हम डोसा बनाएंगे। अब इस पे हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है चॉकलेट। यहाँ पे मैंने कुकिंग चॉकलेट को ओवन में 30 सेकंड के लिए मेल्ट कर लिया था, वो हम इस पे स्प्रेड करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से गाढ़ी होनी चाहिए, आप उसे ज़्यादा मेल्ट मत करिएगा।
अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुकी क्रम्बल। तो कुकी क्रम्बल बनाने के लिए मैंने ओरियो बिस्किट को क्रम्बल कर लिया था, उसका चूरा बना लिया था, अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मैं ऐड करूंगी व्हाइट कुकी क्रम्बल। इसमें आप अपने पसंद का या अपने बच्चों के पसंद का कोई भी बिस्किट क्रश करके डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी। घर में टूटी फ्रूटी भी हम बना सकते हैं, उसकी रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अब मैं ऐड करूंगी डार्क चॉकलेट चिप्स, व्हाइट चॉकलेट चिप्स और हम इसे पलट देंगे और फिर पैन में से निकाल लेंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो प्लेटिंग के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लूबेरी कॉम्पोट जो हमने बनाया था वो डाला है, इसमें फ्रेश पपाया के कुछ पीसेस डाले हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश। आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश नहीं हो तो आप स्ट्रॉबेरी जैम भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास कोई भी क्रश हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चेरी कॉम्पोट जो हमने बनाया था, और मेरे पास फ्रेश कीवी थी उसको भी मैं इसमें ऐड करूंगी। आप इसमें अपने मनचाहे फ्रूट्स, अपने मनचाहे कॉम्पोट ऐड कर सकते हैं। और आखिर में हम इसको गार्निश करेंगे चॉकलेट सॉस से जो हमने बनाया था। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये सारे एलिमेंट्स के साथ मिक्स करके जब आप इस डोसे को खाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला है आपको। और प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए देसी फूड वेज रेसिपीज़, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय।